हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो नथिंग की तरफ से उनका एक नया स्मार्टफोन जो कि है नथिंग फोन 2A बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसका ऑफिशियल लैंडिंग पेज भी फ्लिपकार्ट पर आ चुका है। हमने नथिंग फोन 1 देखा हुआ है, नथिंग फोन 2 देखा हुआ है, बट ये वाली पूरी तरह से एक अलग सीरीज होने वाली है नथिंग की तरफ से। तो क्या क्या फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, किस प्राइस के साथ ये फोन आएगा एंड क्या आपको इस फोन का वेट करना चाहिए या नहीं, सब कुछ सही से बताऊंगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब के साथ साथ आइकन जरूर दबा देना। तो सबसे पहले बात करते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बैक साइड में आपको पूरा ही ग्लास बैक देखने को मिलेगा, प्लास्टिक के फ्रेम्स मिलेंगे, IP54 की रेटिंग भी आपको मिलेगी जो कि धूल और पानी से आपके फोन को बचा कर रखेगी। बाकी डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के यहाँ पर डिजाइन निकल कर आ रहे हैं, मतलब ये रेंडर्ड इमेजेस हैं। एक जिसमें वर्टिकल शेप में कैमरास लगे हुए हैं और बैक आप देखोगे तो किसी भी तरह की ग्लिफ लाइट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब नथिंग का फोन हो और वहां पर आपको ग्लिफ देखने को ना मिले तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही। तो हो सकता है कि ये डिजाइन आपको देखने को मिले ही ना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक और डिजाइन इस फोन का निकल कर आया हुआ है जहाँ पर सर्कल शेप में कैमरास हैं और ग्लिफ लाइट्स भी थोड़ी बहुत वहाँ पर दी हुई हैं। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक डिजाइन आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। तो दोनों में से कौन सा डिजाइन आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी बात की जाए डिस्प्ले की तो वही डिस्प्ले रहेगी जो नथिंग के फोन्स में होती है। 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमुलेट पैनल रहने वाला है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा, HDR 10 प्लस वगैरह। तो सेम वही डिस्प्ले है जो नथिंग फोन 1 में भी हम देख चुके हैं। लेकिन परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो वहां पर हमें MediaTek का Dimensity 7200 चिपसेट देखने को मिलेगा। इस चिपसेट की बात करें तो पहले भी अदर ब्रांड्स के फोन में हम इसे देख चुके हैं। 4nm वाला चिपसेट है, 7.5 लाख के आसपास इसका Antutu स्कोर रहता है जो कि अच्छे नंबर से, मतलब बाकी अदर ब्रांड्स के फोन में ये चिपसेट 25 से 26 हजार के प्राइस पर आराम से मिल जाता है। अब नथिंग किस प्राइस पर इसे लाता है वो देखने वाली बात होगी। अब कैमरास की अगर मैं बात करूं तो जैसा नथिंग फोन 1 में ड्यूअल कैमरा सेटअप था, सेम कैमरा सेटअप इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। 50+50 मेगापिक्सल के कैमरा सेटअप होंगे बैक साइड में, जिसमें सैमसंग के सेंसर्स का यूज किया जाएगा जो कि पहले फोन 1 में भी हम देख चुके हैं। बट फोन 1 के कंपैरिजन में इसमें सेल्फी में एक अपग्रेड होगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया जाएगा सोनी IMX615 सेंसर के साथ। तो ये काफी अच्छा अपग्रेड है सेल्फी के मामले में। इसके अलावा बैटरी आपको अगेन 4920mAh की देखने को मिल सकती है 45W की फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड चार्जर जो है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा जो कि नथिंग शुरू से ही करता आ रहा है एप्पल और सैमसंग की तरह। बाकी एंड्रॉइड 14 मिलेगा आपको इसमें आउट ऑफ द बॉक्स नथिंग OS के साथ। अब जहां तक बात रही इसके लॉन्च डेट एंड प्राइस की, तो कहा जा रहा है कि 27 फरवरी को ये MWC में आएगा, तो वहीं से इसका लॉन्च एंड प्राइस का पता चलेगा। बाकी जिस तरह के इसमें फीचर्स हैं उस हिसाब से 25 से 30 हजार के बीच में ये फोन आना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि किस प्राइस के साथ ये फोन आना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो।